नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड, क्योंकि कुवैत और सऊदी आपको पता है हॉट कंट्रीज में चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया इंडिया आप लोग छुट्टी आए बैठे हो, आपका कुछ नहीं बन पा रहा है और ख़ास तौर से फ्लाइट से रिलेटेड बहुत सारी। कुवैत का तो पूरा सिस्टम उलट गया, कुवैत ने जितना सिस्टम उल्टा किया है ना, उतना किसी भी कंट्री ने, मलेशिया ने भी नहीं किया, ये समझ लीजिए। कुवैत ने तो ऐसे बंदों की वाट लगा दी कि बंदों ने जिंदगी में कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बूढ़े लोगों को बंद कर दिया, अनपढ़ लोगों को बैन कर दिया, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनको हम नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंडीशन, एजुकेशन से रिलेटेड वीज़ा बंद कर दिए, विजिट वीज़ा बंद कर दिए, सब कुछ मतलब तहस नहस सा एक तरह से कर दिया। अब 2021 में क्या वो नया बम लेके आते हैं, क्या वो परमाणु बम छोड़ेंगे? आपको पता है जनसंख्या नियंत्रण वगैरह कानून बनना अभी कांट छांट हो रहा है, हालांकि वीडियो टाइम पे बन रहे हैं, अपडेट आ रही है, लेकिन उसको हम आप फाइनली नहीं माने, क्योंकि वो तो ठीक है कच्चा चिट्ठा है, वो उसको एक पका के एक राइटिंग में हो जाएगा, संविधान बन जाएगा, वो फाइनल होगा, उसमें सरकार ने क्या क्या फैसले ऊपर नीचे किए हैं तब जाके पता लगेगा। तो कुवैत से रिलेटेड कुछ अच्छी अपडेट शुरू हो सकती हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, आपका भी चांसेस बन जा सकता है भैया कुवैत जाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कुवैत में कोरोना अपडेट की स्थिति क्या है, क्योंकि सब ये कोरोना की वजह से, मेहरबानी कोरोना की है, आप लोगों को अभी तक घर में बिठा रखा। कोरोना की बात करें तो भैया कुवैत जिस हिसाब से जितनी बड़ी कंट्री है तो ज़्यादा नहीं है, लगभग एक लाख केस अभी तक आए हैं कोरोना के, जी हाँ साथ। और डेथ की बात करें तो मात्र 585 लोग अभी तक एक्सपायर हुए, जी हाँ, मरने वालों की संख्या बहुत कम है भाई, कुवैत में 585 लोगों की अभी तक डेथ हुई है। और 1 लाख में यार रिकवरी देखिए, 91,000 लोगों की रिकवरी हो गई है, मात्र 8,000 केस पॉजिटिव हैं कुवैत में, लेकिन सरकार ऐसे टाइट होके बैठी है कि नहीं नहीं 8,000 को वो 8 लाख मान के बराबर बैठी है, जी हाँ। हाँ, हो सकता है उनके मन में डर हो कि भाई विदेशी आएंगे फिर कोरोना फैल जाएगा वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से स्टिक होना जरूरी है उनकी नज़रों में, हालांकि हमें वो अच्छा नहीं लगता, वो हमारी कमजोरी है। तो कोरोना अपडेट ठीक है, और कोरोना को देखते हुए देखिए वहाँ पे आपको पता है वहाँ पर एक रूल अभी बोला 34 कंट्रीज को कुवैत सरकार ने बैन करके रखा है, पहले 28 थी, फिर 30 हुई, 32 हुई, अब 34 कंट्रियों को डाउन करने की बजाय ऊपर कर दिया, जी हाँ, यानी प्रतिबंध कर दिया 34 कंट्रीज को कि भाई ये कंट्रियों के यात्रा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इन 34 देशों की फ्लाइट कुवैत में नहीं जा सकती, जी हाँ। आगे उन्होंने आगे बताया कि भाई जैसे हम फ्लाइट मान लीजिए आने वाले टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो 14 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा, 14 दिन बहुत होते हैं यार, 14 दिन तो तब शुरू में था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, अब तो कोई कंट्री रखती नहीं है, 60% कंट्रियों ने तो कोरोना खत्म ही क्वारंटाइन ही खत्म कर दिया, इंडिया में भी खत्म है क्वारंटाइन, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेके आओ और अपने घर जाओ यार, 14 दिन तो आदमी पड़ा रहेगा, फिर कुवैत में किसी को एक दिन का काम हो 14 दिन तो उनको सरकारी आ जाओ जी, 14 दिन यहाँ रहो फिर एक दिन काम करके वापस अपनी कंट्री जाओ, ऐसा कोई रूल है? तो वहाँ के कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय अध्ययन किया भी जा रहा है और शोरों से भी पूछा जा रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से या और भी उनके जो विभाग है उनसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या किया जाए, तो उनको सजेशन ये दिया गया कि 3 दिन से लेके 7 दिन का क्वारंटाइन आप करो, जी हाँ, लेकिन 3 दिन से 7 दिन का तो नहीं होगा, 7 दिन का 100% होने वाला है, 7 दिन क्वारंटाइन आप रख लो और वो भी कोविड टेस्ट PCR रिपोर्ट साथ में लेके आने के बाद, जी हाँ, ये नहीं कि वहाँ 7 दिन क्वारंटाइन रखेंगे तो आपको टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट रिपोर्ट भी चाहिए नेगेटिव की, उसके बाद आपको 7 दिन कुवैत में रहना पड़ेगा, जी हाँ। अब ये क्वारंटाइन कहाँ रहना पड़ेगा, आपका खर्चा लगेगा, वहाँ की सरकार तो नहीं देगी, ये तो तय बात है, अब इसमें ये नहीं बताया कि भाई आप अपने घर पे 7 दिन रह सकते हो, लगभग मुझे लग रहा है ये सरकारी हॉस्पिटल में या फिर वो क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे वहीं पे आपको रहना पड़ेगा 7 दिन के लिए, वहाँ से आप नेगेटिव होने के बाद 7 दिन के लक्षण नहीं आने के बाद आप अपने स्थान के लिए वहाँ से जा सकते हो, जी। सरकार ने कुछ कैटेगरी 10 कैटेगरी को छांटा है, 10 कैटेगरी ऐसी हैं जिन्होंने ये बोला है कि भाई इन कैटेगरी के लोगों को कुवैत में आने की इजाज़त दी जा सकती है, उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई जा रही है, बनाई जा चुकी है कुछ लोगों की, 10 कैटेगरी के ऐसे लोग हैं, 10 कैटेगरी का मतलब क्या समझते हो, वो लोग जो कुवैत सरकार के लिए वहाँ के जनता के लिए वहाँ के सिस्टम के लिए ज़रूरी है उनको जाना, अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ का सिस्टम रुका हुआ है उनकी वजह से। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे पहले डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टेक्नीशियन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग 350 के करीब पाकिस्तान से डॉक्टर अभी जाने वाले हैं कुवैत में, जी हाँ। ऐसे तो कुवैत बोलती है हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, देखो इंडिया डॉक्टर्स को वो बुला रही हैं, लेकिन क्या करें, वो वहाँ का सिस्टम है,
500 के करीब डॉक्टर को उन्होंने हायर कर लिया लिस्ट बना के कि इनको बुलाया जाए कुवैत में। उनकी सूची तैयार की जा रही है। अगर उनमें से उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, जो 10 कैटेगरी के लोग हैं उनमें अगर उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, तो उनको वो यात्रा वीज़ा पे बुलाएंगे, यानी विजिट वीज़ा उनको जारी किया जाएगा। विजिट वीज़ा पे वो जाके वहाँ उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है गल्फ कंट्रीज में अगर वहाँ होता है तो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाता है। आप छुट्टी चले गए, वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो वो फिर रिन्यू नहीं होता। हालांकि अगस्त तक सरकार ने किए थे रिन्यू, लेकिन अगस्त के बाद में सब वीज़ा रिन्यू नहीं किए गए, बोला हम कैंसिल करते हैं, दोबारा से वीज़ा लेना होगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। श्रेणी के लोगों को बुलाया जाएगा, उनको विजिट वीज़ा पे बुलाया जाएगा। बाकी और कोई अपडेट अभी तक नॉर्मल वीज़ा वालों की भैया है नहीं, हो सकता है फिर अभी ये फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं सितंबर में। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।